इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है प्लाज्मिड एज वेक्टर। सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को इस टर्म का मतलब बताना चाहेंगे वेक्टर। मॉस्किटो को रिकॉल कीजिए, तो मॉस्किटो को हम वेक्टर कहते हैं क्योंकि मॉस्किटो एक ऐसा इंसेक्ट है जो डिजीज्ड पर्सन से पैथोजन हेल्दी पर्सन में पहुंचाता है। तो उसी तरह से जो प्लाज्मिड है उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मिड एक ऑर्गेनिज्म का जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचा सकता है। तो जब हम प्लाज्मिड को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो अब हम इसे वेक्टर कहेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में हम और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं एज वेक्टर, जैसे कुछ रेट्रोवायरस हैं उनको वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, कुछ बैक्टीरियोफेजेस हैं उन्हें हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में हम प्लाज्मिड डिस्कस करेंगे, उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ये प्लाज्मिड वेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। सबसे पहले प्लाज्मिड्स के बारे में बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ये प्लाज्मिड्स होते क्या हैं। तो ये प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया का बैक्टीरियल डीएनए यहाँ पे दिखाया हुआ है जो कि इसेंशियल जीन्स को कैरी करता है, और इस बैक्टीरियल डीएनए के अलावा भी छोटी छोटी रिंगलेट्स हो सकती हैं डीएनए की बैक्टीरिया में। और ये ज़रूरी नहीं है हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड हो, लेकिन जिन बैक्टीरिया में ये एक्स्ट्रा रिंगलेट्स होती हैं डीएनए की, तो इन एक्स्ट्रा रिंगलेट्स को हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। और ये प्लाज्मिड्स नॉन इसेंशियल जीन्स को कैरी करते हैं, वो जीन्स जो किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में हेल्पफुल तो हो सकते हैं लेकिन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो इसेंशियल जीन्स कैरी करता है नॉर्मल ग्रोथ और डिवीज़न के लिए, जैसे वो सारे मेटाबॉलिक पाथवे जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, तो इन मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड जो जीन्स होंगे वो बैक्टीरियल डीएनए पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कि एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं हो सकता किसी बैक्टीरिया के लिए, ये मददगार होगा जबकि ये बैक्टीरिया किसी ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस हो। तो ऐसे जीन्स जो इमीडिएट कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं सर्वाइवल में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकते हैं किसी बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे जीन्स प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी प्लाज्मिड्स के बारे में। अब हम वेक्टर्स के कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इसेंशियल फीचर हैं किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, और ये भी देखेंगे कि इन्हीं फीचर्स की वजह से प्लाज्मिड भी एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल हो पाता है किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो वेक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि उस डीएनए फ्रेगमेंट के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, जिसे हम शॉर्ट में ओराई भी बोलते हैं। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए का वो सेगमेंट है, वो साइट है जहाँ से उस पर्टिकुलर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। एक और बात यहाँ अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड का कॉपी नंबर भी डिसाइड करता है कि प्लाज्मिड कितनी बार वो रेप्लिकेट हो सकता है और कितने प्लाज्मिड के तक वो बना सकता है रेप्लिकेशन के दौरान। तो इसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इसके दो फंक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तो रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ओराई सीक्वेंसेस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर भी डिसाइड करती हैं। और फिर इन वेक्टर्स के पास में सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जिनकी हेल्प से हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स को एलिमिनेट कर पाएंगे। ये बात समझने के लिए आप हमारा वीडियो देखें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सेलेक्टेबल मार्कर्स का क्या रोल है और इनकी हेल्प से हम ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स को कैसे सेग्रीगेट कर पाते हैं। फिर हाँ, एक और भी हम बात बता दें कि प्लाज्मिड में हम अधिकतर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं उन्हें हम सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज़ करते हैं। और तीसरा फीचर है रिकग्निशन या क्लोनिंग साइट का होना। रिकग्निशन साइट का मतलब है कि वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकग्नाइज करता है और उस पर एक कट लगाता है, और इन सीक्वेंसेस को हम क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं क्योंकि इसी सीक्वेंस पर, इसी पोजीशन पे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएगा और फिर इसी पोजीशन पे कोई फॉरेन डीएनए आकर लगेगा।
या उसके साथ में जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसके साथ में एसोसिएट होगा. तो इस वजह से रिकॉग्निशन साइट को हम क्लोनिंग साइट भी कहते हैं. यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए एक और टर्म यहाँ पर दिया हुआ है पॉलीलिंकर. इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर किसी प्लाज्मिड वेक्टर पर एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स हैं तो ऐसे लोकेशन को, डीएनए की ऐसी लोकेशन को हम पॉलीलिंकर भी कहते हैं. यानी कि इस प्लाज्मिड के लिए हमारे पास चॉइस है कि हम कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चुने अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए. कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो उराई होता है तो हम अभी बता चुके हैं कि ये प्लाज्मिड का कॉपी नंबर भी डिसाइड करता है. तो जब हम प्लाज्मिड को चुन रहे होते हैं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए तो हमें एक ऐसा प्लाज्मिड चुनना चाहिए जिसका उराई हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो. तो उसकी वजह से हमें एक ही प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज नेचुरल वे में मिल सकेंगी. फिर जो वेक्टर होता है इस बात को हम बहुत ध्यान से समझेंगे, जो प्लाज्मिड है उसके पास किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए. बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक वेक्टर पर एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट तो हो सकती हैं, ये तो हमें बेनिफिट दे गया ये फीचर, लेकिन एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए उस प्लाज्मिड वेक्टर पे. इस पॉइंट को आगे भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट्स को. और तीसरा पॉइंट है कि क्योंकि अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स हो जाएंगी तो ये हमारे क्लोनिंग प्रोसीजर को, जो जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, उसको कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं. इस पॉइंट को हम अभी आगे दोबारा टच करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे. अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा कि किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए किसी वेक्टर पर केवल एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. तो इस डायग्राम को देखिए तो यहाँ पर ये प्लाज्मिड दिखाया हुआ है जिस पर इको आर फर्स्ट के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट है. तो जब हम ऐसे प्लाज्मिड को इको आर फर्स्ट से हम ट्रीट करेंगे तो ये रिंग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ओपन हो जाएगी और इस साइट पर हम अपना डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से. लेकिन अब इस प्लाज्मिड को देखिए तो इस प्लाज्मिड में मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स हैं इको आर फर्स्ट के लिए. तो ऐसे प्लाज्मिड को जब हम इको आर फर्स्ट से ट्रीट करेंगे तो हमें इस प्लाज्मिड के मल्टीपल पीसेस मिल जाएंगे. और जब हम ऐसे प्लाज्मिड पर इंसर्ट को यहाँ पे लाइगेट करने की कोशिश करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे डीएनए लाइगेज की हेल्प से, तो अब ये डीएनए लाइगेज कंफ्यूज हो सकता है कि इन पीसेस को ये किस तरह जोड़े. तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक वेक्टर पर किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. बहुत ब्रीफ में PvuII वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. PvuII पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है. जो देखते हैं कौन से साइंटिस्ट ने इसे डिज़ाइन किया था, तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को PvuII इसके नॉमनक्लेचर के बारे में बताना चाहेंगे कि ये नाम किस तरह से रखा गया. तो जो उसमें स्मॉल पी है, दिस स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, क्योंकि ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है. और BR, ये जो दो लेटर्स हैं ये हमने लिए हैं उन साइंटिस्ट के नाम के इनिशियल लेटर्स से जिन साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट किया था. और 322 केवल एक नंबर है जो कि अदर प्लाज्मिड्स से इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को डिस्टिंग्विश करेगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर्स अभी तक बनाए जा चुके हैं. तो ये एक यूनिक नंबर है जो और दूसरे आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर से इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड वेक्टर को डिस्टिंग्विश करेगा. तो यहाँ पर ये हमने PvuII दिखाया हुआ है. तो ये तो है उराई जहाँ से इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. और ये जो ROP है ये एक ऐसी साइट है जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीन्स को
कोड करती है। तो इस डीएनए सीक्वेंस से वो सारे प्रोटीन्स बनेंगे जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। और यहाँ पर इस पीवीआर 322 के पास ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स होती हैं जो कि सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज होंगी। और यहाँ पर हमने ये डिफरेंट रिकग्निशन साइट्स दिखाई हुई हैं डिफरेंट ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी पीवीआर 322 वेक्टर के बारे में। प्लीज चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस।